आपके वीर्य की एक बूंद में कितनी शक्ति है, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखना। एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। और काफी सारे कमेंट आए थे मुझे इस वीडियो में, तो वो सभी डाउट्स मुझे कुछ क्लियर करने थे। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि शरीर के 7 धातु होते हैं, जिसमें कि अंतिम धातु वीर्य को कहते हैं। यह वीर्य ही मानव शरीर का सार तत्व है। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में खून कैसे बनता है? अब खाते तो केवल भोजन है, रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट, जो भी कुछ खाते हैं, इन सब के पाचन के बाद हमारा शरीर इन सबको खाता है, पाचन करता है। ये प्रोसेस तकरीबन 30 दिन तक चलता है। और आपके इसी भोजन में से आपका ये शरीर यानी कि एक जबरदस्त मशीन, उसमें से ही खून बनाती है, मांस बनाती है, हड्डियां बनाती है। तो इसका मतलब आपके भोजन में ये सब कुछ पहले से ही मौजूद है। आपके शरीर के इतने लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद खून बनता है। अगर बात करें तो कहा जाता है कि 40 बूंद रक्त की एक बूंद वीर्य बनाती है, और एक बार वीर्य स्खलन से लगभग 15 ग्राम तक वीर्य का नाश हो जाता है। जिस तरह से आपके पूरे शरीर में रक्त बह रहा है, उसी प्रकार आपके पूरे शरीर में वीर्य भी सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। वीर्य को यूं ही बहा देना, इससे कई नुकसान है। हमारे शरीर में यह वीर्य ही है जो जीवन शक्ति का भंडार है। मास्टरबेशन के समय पूरे शरीर में एक तरह का इंजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आप मास्टरबेशन करते कहीं से, लेकिन आपका पूरा शरीर उसमें पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए पूरी बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, यानी आपके शरीर के अंदर बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। और जब बहुत ही जबरदस्त काम चल रहा है तो आपका पूरा शरीर एक प्रकार की ऊर्जा खर्च कर रहा होता है। वो ऊर्जा दूसरे आयाम की होती है, और कुछ ही समय में आपके शरीर का वो सार तत्व बाहर आ जाता है, जिसे हम लोग स्पर्म्स कहते हैं। और फिर आप निंद्रा महसूस करते हो, कमजोर महसूस करते हो, क्योंकि आपके शरीर के भीतर बहुत जबरदस्त काम हुआ है, उसने बहुत मेहनत की है। मात्र जरा सा सीमन निकालने में आपके शरीर की जबरदस्त ऊर्जा इस्तेमाल हुई है, इसीलिए तो आप थक जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ यार, आज से बिल्कुल बंद कर दूंगा। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल और चल रहा होगा कि भाई, जब घड़ा भर जाता है तो भार तो छलकेगा ही, यानी नाइटफॉल होना, इसे कैसे रोकें? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जानो कि नाइटफॉल होता क्यों है। अगर आपके दिमाग में कामुक विचार चल रहे हैं तो नाइटफॉल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप 24 घंटे ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहेंगे और देखते रहेंगे, तो आपके शरीर के अंदर मौजूद वो वीर्य अपनी जगह छोड़ने लगता है, और फिर स्वप्न के जरिए या किसी और जरिए से वो बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले आपकी मानसिकता, आपको अपनी बुद्धि पर काम करना है, ना कि इस फिजिकल एक्टिविटी पर। और करना भी है, नहीं करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये सही है या गलत है। पहले थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। मास्टरबेशन से कुछ नुकसान भी होते हैं। देखिए, मास्टरबेशन के बारे में तो मैं सीधा सीधा एक ही बात कहूंगा। अगर आप सामाजिक हैं, यानी ब्रह्मचारी नहीं हैं, और आपको ज्ञान धर्म की बातों से कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान वगैरह भी नहीं करते, आपको सत्य की खोज की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपसे हफ्ते में एक बार मास्टरबेशन हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपका स्ट्रेस ही कम होता है। बट ध्यान रहे, ये मैंने किस कंडीशन में कहा, आपको वो नहीं भूलनी है। सामाजिक हो तो। बाकी इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने से आपकी जीवन आयु भी घटती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आंखों की रोशनी भी कम होती है, आपके शारीरिक और मानसिक बल भी कमजोर होता है। देखिए, जिस तरह जीने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह से यह वीर्य आपके शरीर के अंदर एक प्रकार का फ्यूल है जो आपको निरोगी रखता है। अगर ऑक्सीजन प्राणवायु है तो यह वीर्य आपकी जीवन शक्ति है। और एक बात बताता हूँ, बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने से आपकी स्मरण शक्ति भी कमजोर होती है, आपको भूलने की बीमारी हो जाती है, यानी सिंपल आप मेंटली कमजोर रहते हैं। अब इसमें जीनियस बनने की तो बिल्कुल भूल जाओ। और जिसमें कि भगवान बुद्ध ने भी कहा है, भोग और रोग दोनों साथी हैं। वीर्य पतन होने के बाद सबको बहुत पछतावा होता है। तो ऐसे ही ब्रह्मचर्य जीवन अच्छा नहीं होता। हम कुछ देर के सुख के लिए कहते हैं कि अरे सब ब्रह्मचर्य वगैरह सब बेकार है, ये सभी योगी ऋषि मुनि पागल थे, इस सुख को नहीं भोगते थे, क्या आनंद मिलता है। लेकिन क्या ये कुछ सेकंड्स का आनंद आपके साथ हमेशा रहता है? लेकिन एक योगी के चेहरे पर कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं दिखेगा,
वो हमेशा खुश दिखेगा। एनीवे योगियों की बात बाद में करेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप में से काफी लोग इंटरेस्टेड होंगे कि भाई ठीक है ये सभी बातें बताएं, अब इससे बचाव क्या है, कैसे बचें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, तेज मिर्च मसालों से बचो, सात्विक भोजन करो और मेडिटेशन करो। जब भी आपके दिमाग में काम वासना के कुछ विचार आते हैं, आप तुरंत अपनी आंखें बंद करो और अपने श्वास पर ध्यान देना है। आपकी श्वास आपकी नाभि के नीचे तक जाती है, आपको वहां तक अपनी सांस को लेकर जाना है और कुछ सेकंड्स के लिए आपको अपनी सांस को रोकना है जब तक आप रोक सकते हैं। फिर लंबी सांस लो, फिर गूदा स्थान पर जाकर अपनी सांस को रोको, फिर छोड़ो। काम वासना कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाएगी। आमतौर पर यह प्रयोग योगी लोग करते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य साधा हुआ है। काम वासना उन लोगों को नहीं परेशान करती। और आपके उस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ कि जब वीर्य इकट्ठा हो जाता है तो अपने आप बाहर निकल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शेर इतना ताकतवर क्यों होता है? वह अपने जीवन में केवल एक बार ही बच्चे के लिए मैथुन करता है, जिस वजह से उसमें वीर्य बचा रहता है। जो वीर्य आपके अंदर इकट्ठा हो रहा है, जरूरी नहीं है कि ज्यादा होने के बाद वो बाहर आ जाएगा, वो आपके विचारों की वजह से बाहर आता है। वीर्य जहाँ इकट्ठा होता है वहां से वह 90 दिनों बाद पूरे शरीर में चला जाता है। फिर उससे जो सुंदरता, शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता आदि बढ़ती है। अब एक आखिरी सवाल। ठीक है भाई, आपके पास समझ में आ गई, लेकिन जो ग्रस्त जीवन में पहले से ही है, क्या अपनी अपनी पत्नियों को छोड़कर इस रास्ते पे चले जाएं? और अगर सभी ब्रह्मचारी बन गए तो इस दुनिया का क्या होगा? देखिए, आपको कोई पत्नी वगैरह नहीं छोड़नी है। आप जिस ग्रस्त जीवन में है बस वहाँ बने रहिए। ब्रह्मचर्य में स्त्री और पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पता हो तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि ग्रस्त जीवन व्यतीत किया करते थे और उन ऋषियों की पत्नियां भी बहुत जागृत और ज्ञानी होती थीं। आत्मज्ञान का जितना अधिकार पुरुषों को था उतना ही अधिकार स्त्रियों को भी था। आज के समय में ब्रह्मचर्य क्या? कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य को पूर्ण गरिमा प्राचीन काल में ही मिली थी। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक ऋषि ने अपने पुत्र को दूसरे ऋषि के पास संदेश लेकर भेजा, लेकिन पुत्र ने पिता से कहा कि पिताजी रास्ते में एक नदी पड़ती है, मैं उसे भला कैसे पार कर पाऊंगा। ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, जाकर नदी से कहना अगर मेरे पिता ने एक भी पल ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग ना किया हो स्वप्न में भी, तो हे नदी मुझे रास्ता दे दो। और कथा कहती है नदी ने रास्ता दे दिया था। अब यहाँ पर किस तरह का विरोधाभास है, एक पुत्र का पिता और ब्रह्मचारी कैसे? जाहिर है कि संभोग संतान उत्पत्ति के लिए किया गया था, आनंद के लिए नहीं। इसे कहते हैं निष्काम कर्म योग, यानी कर्म भी कर रहे हो और कर्म से बंधे भी नहीं हो। आप कर्म का हिस्सा नहीं हो, कर्म तो हो रहा है। अच्छा, बुद्ध और महावीर के बाद हजारों युवक अपनी पत्नियों को घर छोड़कर भिक्षु बन गए, तब ब्रह्मचर्य का अर्थ स्त्री निषेध बन गया। जब साधक या साधिका की चेतना आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है, जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र का भेदन करती हुई पार निकलती है, तब ये काम ऊर्जा राम ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। यही वो ऊर्जा है जिससे कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, आपके सातों चक्र खुलते हैं और आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना इस ऊर्जा के आप कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते। आज्ञा चक्र खुलते ही पुरुष को अपने भीतर की स्त्री का दर्शन होता है और स्त्री साधक को पुरुष का, और ये चक्र खुलते ही साधक के लिए बाहर के स्त्री और पुरुष व्यर्थ हो जाते हैं। हम सब लोग बाहरी संभोग के बारे में जानते हैं, लेकिन हम अपने भीतर के ही सुख को नहीं जानते। और जिसने एक बार उसका स्वाद चख लिया, फिर वह कभी भी बाहरी सुख की तरफ नहीं भागता। अब फाइनली मेरा निष्कर्ष क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपकी बुद्धि एक योगी वाली है, आप सत्य की खोज के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप ज्ञान को जानना चाहते हैं, आपकी यात्रा बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ है, तो मैं कहूँगा आपको ब्रह्मचर्य लेना चाहिए। आपको अपने वीर्य की शक्ति को रूपांतरित करना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। और अगर आप समाज में कुछ बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, इस समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, परिवार का सुख भोगना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य साधने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको जबरदस्ती ब्रह्मचारी या योगी नहीं बनाया जा सकता। दो ही तरह के लोग योगी या ब्रह्मचारी बनते हैं, जिसने समाज के सभी सुखों को भोग लिया हो, सुंदर से सुंदर स्त्री को भोगा हो, वो सफलता हासिल कर ली हो जो वो पाना चाहता था, और सब कुछ पाने के बाद, सब कुछ भोगने के बाद उसे पता लगता है सब कुछ व्यर्थ है, इसमें सुख तो था ही नहीं जिस सुख को ढूंढने के लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी। अब सब कुछ मिल भी गया, लेकिन फिर भी वह बेचैन रहता है, उसे सुख मिल ही नहीं पाता।
तो जब इस तरह के इंसान के लिए सब कुछ व्यर्थ हो जाता है तब वो सन्यासी बन सकता है। और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनकी यात्रा पिछले जन्म में कहीं रुक गई हो और उनकी मृत्यु हो गई हो, तो उनकी यात्रा इसी जन्म से शुरू हो जाती है और वो सन्यासी बन जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पिछले जन्मों में ही सांसारिक सुख व्यर्थ हो चुके होते हैं, तो इसीलिए उनकी यात्रा इस जन्म में वहीं से शुरू हो जाती है। अब आपके बहुत सारे सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलता हूँ किसी अगली जानकारी में नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। One.